नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। प्रोबेशनरी ऑफिसर के कई पदों पर शुरू हुई भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पदों पर भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट ecgc.in पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर के 63 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, इन पदों पर भर्तियां लिखित परीक्षा के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर होगी। सीतामढ़ी के हलेश्वर स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर उत्तर फतेहपुर गिरमिसानी गांव में स्थित भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। पुराणों के अनुसार यह इलाका मिथिला राज्य के अधीन था। एक बार पूरे मिथिला में अकाल पड़ा था, तब ऋषि मुनियों की सलाह पर राजा जनक ने अकाल से मुक्ति के लिए हलेष्ठी यज्ञ किया था। यज्ञ शुरू करने में पूर्व राजा जनक जनकपुर से गिरमिसानी गांव पहुंचे और यहां अद्भुत इसी शिवलिंग की स्थापना की थी। राजा जनक ने इसी स्थान से हल चलाना शुरू किया और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में पहुंचे, जहां हल के सिरे से मां जानकी धरती से प्रकट हुई और इसके साथ ही घनघोर बारिश होने लगी और इलाके से अकाल समाप्त हुआ। इसी हलेष्ठी यज्ञ के कारण यहां स्थापित मंदिर को हलेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है। बिहार में इंजीनियरिंग में हुए एडमिशन रद्द। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने काउंसलिंग पोर्टल के हैक हो जाने के कारण इंजीनियरिंग में फर्स्ट काउंसलिंग के तहत एडमिशन के लिए 2 दिसंबर को प्रकाशित सीट आवंटन को रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से छात्रों को चॉइस फिलिंग का विकल्प दिया गया है। इसके बाद भी अब छात्रों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार छात्र 5 से 8 जनवरी तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही चॉइस में बदलाव भी कर सकते हैं। पहले राउंड के तहत 11 जनवरी सीट आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद अलॉटमेंट ऑर्डर 12 से 14 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का हुआ गठन। बिहार में बीते दिन से सभी स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार नियमों का पालन करना होगा, इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी अंतिम दौर में है। बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाएंगे, इस बात पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अगले 48 घंटे तक बिहार में छाए रहेंगे बादल। बिहारवासियों को अब ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। बीते कुछ समय से धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिल जा रही थी, मगर अब उन्हें ठंड की मार का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले 48 घंटे में बादल छाए रहने के आसार है। इतना ही नहीं, कई जिलों में बारिश की संभावना बनते भी देखी जा रही है। सबसे विशेष मौसम में बदलाव 48 घंटे बाद ही देखने को मिलेगा, जब बिहार का न्यूनतम तापमान अचानक गिरेगा। दरअसल हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर बिहार में एक बार फिर दस्तक दे सकती है। वर्तमान समय में दिन के तापमान में पूरे प्रदेश में उच्चतम तापमान में 1 डिग्री के आसपास गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 344 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,54,278 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 143 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 24 तो वहीं गोपालगंज में 19 मामले सामने आए हैं। बिहार में अब उद्योग लगाने वालों को मिलेगा हर संभव मदद। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन बीते दिन करवाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने वालों को लेकर कई सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्होंने छोटे और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जहां उन्होंने युवाओं के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, ताकि वो नया उद्योग अथवा व्यवसाय कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत यह भी कहा है कि सूबे में नए उद्योग लगाने वालों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात भी कही है। उद्योग विभाग की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि कुशल श्रमिकों के माध्यम से इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पोशाक योजना के तहत बच्चों के लिए पोशाक बनाना, पेवर ब्लॉक के निर्माण को बढ़ावा देना और अन्य कार्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एथेनॉल के उद्योग की भी असीम संभावनाएं बताई हैं।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे यश सिन्हा की। बिहार में जन्मे यश सिन्हा का जन्म साल 1977 में हुआ था। यश सिन्हा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्हें भाग्य विधाता में विमलेश की भूमिका के लिए जाना जाता है। वो प्ले टाइम क्रिएशन के किशोर बहुरानियों में भी दिखाई दिए थे, क्योंकि रोहित घिवाला की जोड़ी अमरपाली गुप्ता के साथ थी। हर घर कुछ कहते हैं में भी उनकी भूमिका थी। बिहार में जन्मे यश ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने हर घर कुछ है और अफसर बिटिया में भूमिका निभाई है। उन्होंने डोली सजा के में भी एक नकारात्मक शेड किरदार निभाया है। उन्होंने प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म अपहरण में भी छोटी भूमिका भी निभाई थी। बिहार में शिक्षा विभाग पर हुई बड़ी कार्रवाई। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बिहार में 4 महीने पहले बिजली रहित स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना के समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिले के 145 स्कूलों में 2,21,85,000 रुपए आवंटित किए गए थे। इन 145 स्कूल के 1,264 कमरों के विद्युतीकरण कराने के लिए प्रति विद्यालय 1,53,000 की स्वीकृति की गई थी। हालांकि अब तक केवल 65 स्कूल में ही विद्युतीकरण का काम शुरू किया गया है। बाकी के 80 प्राथमिक और मध्य स्कूल में अब तक विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है, जिसके बाद ही 80 विद्यालय के हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इतना ही नहीं, इनके वेतन पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड का हुआ गठन। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन लंबे इंतजार के बाद हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में बीते दिन जो जानकारी साझा की गई है, उसके मुताबिक धार्मिक न्यास बोर्ड में कुल मिलाकर 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर की बदहाली पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पटना हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि पिछले 5 साल से राज्य के अंदर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड क्यों विघटित पड़ा हुआ है। अब राज्य सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि न्यास बोर्ड का गठन कर लिया गया है। चंडीगढ़ से पटना के लिए 15 जनवरी से शुरू होगी सीधी फ्लाइट। पिछले 11 महीने से बंद पड़ी चंडीगढ़ पटना फ्लाइट की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार यह सेवा 15 जनवरी से फिर से शुरू होने वाली है। इस फ्लाइट को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने एडवांस बुकिंग की सेवा शुरू कर दी है। यह फ्लाइट चंडीगढ़ से हफ्ते में 6 दिन पटना के लिए उड़ान भरेगी। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोविड-19 के चलते मार्च में इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। अब यात्रियों की आवाजाही बढ़ने की वजह से इस फ्लाइट को दोबारा शुरू किया गया है। फिलहाल विमानन कंपनी ने इस फ्लाइट की टिकट 4,105 रुपए रखी है। गौरतलब है कि फ्लाइट्स की टिकट कीमत फ्लेक्सी फेयर के आधार पर होती है। ब्रिटेन से राजधानी पटना पहुंचे 43 लोगों की आई रिपोर्ट। कोरोना के मामले के बीच ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके तहत ब्रिटेन से पटना आए 43 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण नहीं देखने को मिले हैं। इनकी रिपोर्ट खबर लिखने तक नेगेटिव आ गई थी, यानी कि वो पूरे तरीके से कोरोना से मुक्त पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों RMRI में उनकी रिपोर्ट सिविल सर्जन को मिली। हालांकि अब तक 14 अन्य लोगों की रिपोर्ट सामने आनी बाकी है। उनके सैंपल की जांच अभी जारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया है कि ब्रिटेन से पटना आए कुल 57 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग से पटना आए कुल 96 लोगों की सूची भेजी गई थी। टीम बनाकर उनकी खोज की गई। कोइलवर पुल का एक लेन हुआ बंद। कोइलवर पुल को सप्ताह में 2 दिन बंद करने का निर्णय लिया गया है। सोन नदी पर बने अब्दुल बारी पुल कोइलवर के सड़क मार्ग के उत्तरी लेन पर 5 जनवरी से 2 फरवरी तक सप्ताह में 2 दिन यातायात सेवा बंद रहने वाली है। यह निर्णय पुल के मरम्मत कार्य के लिए लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 5 जनवरी यानी कि आज से 2 फरवरी तक सप्ताह में हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत का काम चलेगा। इसलिए उत्तरी लेन से यातायात सेवा बंद रहने वाली है। पुल में मरम्मत कार्य के दौरान यातायात के लिए जिले से अतिरिक्त जवान को पुल के दोनों मुहाने पर लगाया जाएगा। बिहार के नए निकायों में 6 महीने के अंदर होंगे चुनाव। बिहार के नवगठित नगर निकायों में 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने का आदेश जारी किया गया है। कैबिनेट की तरफ से मिली स्वीकृति के बाद अब नगर निकायों की तरफ से आम लोगों से दावा आपत्ति का काम लिया जाना शुरू हो गया है। समय सीमा पूरी होने के बाद नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसके बाद ही राज्यपाल की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी और फिर नए निकाय अस्तित्व में आ जाएंगे। गौरतलब है कि 2 फेज में राज्य में 117 नए नगर निकाय बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना का काम अभी भी है बीच मझधार में। सरकारी उदासीनता के कारण बिहार में अब तक खेल को उचित तवज्जो नहीं मिल पाई है। सूबे में खेल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सभी जिलों के प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण का काम शुरू किया जा चुका था। अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल मिलाकर 345 निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन सूबे में फिलहाल 165 स्टेडियम का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने से अरबों की धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन आधे अधूरे बने स्टेडियम के कारण योजना प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य दोनों दम तोड़ता नजर आ रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसके बाद आज शाम 4:30 बजे के लगभग कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसको लेकर कैबिनेट सचिवालय ने भी पत्र जारी कर दिया है। जानकारों की माने तो आज होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में जब से नई सरकार बनी है उसके बाद कुछ दिनों तक तो सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई ही नहीं। इस पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जाने लगे थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री लगातार मंत्रिमंडल की बैठक बुला रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी की शुरू होगी धन्यवाद यात्रा। मकर संक्रांति के बाद से राजद धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करने वाला है। इसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा का सियासी महत्व होगा, यह देखते हुए कि यह पार्टी मध्यावधि चुनाव की तैयारी में लगी है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी यादव 4 या 5 जनवरी को दिल्ली से पटना आ जाएंगे। उनके आने के बाद धन्यवाद यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। धन्यवाद यात्रा के दौरान राजद वोटर्स को बेहतर समर्थन देने के लिए न केवल आभार व्यक्त करेगा, बल्कि आगामी समय में किसी चुनाव के लिए समर्थन भी मांगेगा। नए अवतार में दिखेगी लोजपा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लोजपा गायब नजर आ रही थी, वहीं अब लोजपा एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई है, जिसके बाद लोजपा अब नए अवतार में नजर आने वाली है। लोजपा का मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई नए साथी पार्टी से जुड़े हैं, वहीं नए साल में पार्टी फिर से नई कमेटियों का गठन करने वाली है। नई कमेटी में नए और पुराने लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी में शामिल हुए नए लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसकी पुष्टि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने ईटीवी भारत से बातचीत में कही है। तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले बाबा पर शुरू हुई राजनीति। नए साल के मौके पर पटना स्थित लालू राबड़ी आवास पर कई लोगों का रोज आना जाना है। इसी क्रम में राबड़ी देवी से हाल ही में मिलने एक बाबा श्रद्धानंद महाराज पहुंचे थे। इस बाबा ने राबड़ी देवी से मिलकर राजद नेता तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि 21वीं सदी का नास्त्रेदमस अपनी कुंडली पर बैठा कुंडलीबाज सरकार के विषय पर बोले जालसाज ढोंगी फरेबी की कैसी कश्मकश, खुद को बताता 21वीं सदी का नास्त्रेदमस। सरकार से किसानों की वार्ता रही बेनतीजा। कृषि कानून को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी की दो मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच बीते दिन वार्ता का आयोजन करवाया गया था। हालांकि वार्ता बेनतीजा रही, ना सरकार कदम पीछे खींच सकती है और दूसरी तरफ 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भी सर्दी में बेफिक्री से अपनी मांग पूरे होने तक नहीं लौटने के फैसले पर अड़िग दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन सरकार और किसान के बीच 7वें दौरे की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। अगली वार्ता 8 जनवरी के लिए टाल दी गई है। किसानों ने पहले तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 26 जनवरी तक आंदोलन इसी क्रम में जारी रखने की घोषणा की है। 6 तारीख को KMP पर चर्चा भी करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से किसानों को तीनों कृषि कानून पर बिंदुवार चर्चा की बात कही गई। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया कि उनकी मांगे पहले जो थी वो अभी भी कायम रहेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। खाजवाह की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह शुजा को 1659 में पराजित आज ही के दिन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1671 में मुगलों के सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में आज ही के दिन किया था। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1957 में प्रभाव में आज ही के दिन आया था और 1970 में भारत में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम अस्तित्व में आज ही के दिन आया था। भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए आज ही के दिन बढ़ाया था। हरित राजस्थान अभियान के 6 लाख से अधिक पौधारोपण की मुहिम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज ही के दिन सम्मिलित कर लिया गया था। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को 2014 में सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित आज ही के दिन किया गया था। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्म 1986 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म निदेशक तथा निर्माता रमेश बहल का 1990 में आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। सिडनी के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 टेस्ट मैच की सीरीज का 2 मैच खत्म हो चुका है, जिसके बाद दोनों ही टीम 1-1 स्कोर के साथ बराबरी कर रही है। वहीं अब 3रा मैच सिडनी में खेला जाना है, जिसको लेकर टीम पूरी तरह से तैयार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार 3रा मैच 7 जनवरी को सिडनी में खेला जाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना हो चुकी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर चल रही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जांच के बावजूद रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी भी टीम इंडिया के साथ चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करेंगे।
कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद से कोरोना को हराने के लिए बड़ी उम्मीद जागी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन डिलीवरी के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कोविन ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन सहित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इससे डेटा रिकॉर्ड रखा जा सकता है, साथ ही लोग खुद ही वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकेंगे। टाइगर श्रॉफ ने की ऋषि कपूर की तारीफ। नए साल आ चुका है और अब नए साल में कई तरह की नई चीजें देखने को मिलने वाली है। हालांकि इन सब के बीच हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने पिछले साल को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने खुद की फिल्म और परफॉर्मेंस को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर को लेकर एक खास बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल हमने कई सेलिब्रिटीज को खोया है, मैं सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, खासकर ऋषि अंकल से जो मेरे डैड को कभी भी मैसेज करना नहीं भूलते थे। खासकर जब मेरी कोई भी फिल्म रिलीज होती थी वो हमेशा मेरे काम की सराहना करते थे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,400 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,400 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके लिखा था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद खलील, रंजीत मेहता, रविंद्र पासवान, अवधेश कुमार सिंह, बाबुल यादव, शिवम सोमबंसी, प्रियमल यादव, सपना शर्मा, श्वेता रॉय प्रदीप, पप्पू यादव, धर्मेंद्र कुमार, भगवान कुमार, मिस्टर लौतम कुमार, रविंद्र राम, स्नेहा कुमारी, साहिल कुमार, शंकर मुखिया। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए आपके अनुसार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।